हेलो बच्चों, तो ये हमारा विंडोज पार्ट टू है और इस पार्ट टू में आज हम लोग फाइल मेनू के बीच कंपेयर करेंगे। यानी इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को किस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, कैसे आप बंद कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, रिसाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप टास्क बार में कैसे किसी प्रोग्रामों को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, कैसे आप टास्क बार को रीसेट कर सकते हैं अपने जगहों पे, हमने सारी चीज आपको बतला दी थी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और फर्स्ट टाइम आप देख पा रहे हैं तो आप मेरे विंडोज का पार्ट वन पहले देख लीजिए और इसके बाद पार्ट टू देखिएगा, सारी चीज बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर लगता है कि सर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप टाइप कर देंगे, हम आपके सॉल्यूशन को दे देंगे। तो चलिए हम सभी ऑप्शंस को एक एक बार नोटपैड, बटपैड और पेंट को ओपन करते हैं और तीनों के बीच में कुछ तुलना करके देखते हैं और उस ऑप्शंस का यूज करके भी देखेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और आकर देखते हैं। जो सबसे पहले माउस, माउस को पकड़ना आता होगा, इसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट हो सकता है कि मेरे वीडियोज में आपको कीबोर्ड में स्टार्ट बटन ना दिखे, तो हम क्या करते हैं कि इसे सबसे ऊपर ले जाकर सेटअप हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने सेट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो कोना में होती है इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन, यानी कीबोर्ड में भी होती है स्टार्ट, यानी जिसे हम बोलते हैं विंडोज की के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही विंडोज की पे क्लिक करते हैं हमारे सामने सर्च की लिस्ट ओपन होती है और इस लिस्ट में यदि हमें नोटपैड चालू करना है तो क्या टाइप करना होगा, नोटपैड, यानी NOTEPAD आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने यहां पे दिखेगी नोटपैड। अगर ये नहीं खुलता है तो विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे ना तो उसके साथ खुल जाएगी। कीबोर्ड भी लेकर के हम आ जाते हैं, इसे फिलहाल नीचे ही रखते हैं और हमने इसको एक कीबोर्ड, हम वर्चुअल जो कीबोर्ड जो आपको दिया जाता है इसे हम ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट बटन पे गए और फिर से हम चाहते हैं स्टार्ट बटन पे हमारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, स्टार्ट बटन जो प्रोग्राम है ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बटपैड को, हमने टाइप किया WORDPAD बर्ड पैड, ठीक है। इसके बाद हमें बटपैड पे क्लिक करना है, हमारे सामने बटपैड आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अब हम टाइप करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे पेंट, ठीक है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद टाइप जैसे ही करते हैं पेंट, यानी सबसे पहले को आप विंडोज की को प्रेस करेंगे, हमारे सामने प्रोग्राम ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पेंट, PAINT, ठीक है, PAINT पेंट, आपका यहाँ पे लिखते के साथ ओपन हो जाएगी। तो हमने तीनों को ओपन कर लिया, इसके बाद रेस्टोर ऑन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि तीनों के फाइल मेनू में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिएगा कि ये हम सिखला रहे हैं आपको, यहाँ पर इसको छोटा रखते हैं, ए फाइल मेनू, नोटपैड। तो पहले नोटपैड के प्रोग्राम को भी जिक्र करते हैं। नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को टाइप कर सकते, यानी कि यहां पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वह आपको बिल्कुल एक समान टाइप होगा, ना तो इसमें कोई अक्षर को आप बड़ा स्पेशल कर सकते हैं, ना तो छोटा कर सकते हैं, ना तो स्पेशल इटैलिक कर सकते हैं, ना तो स्पेशल बोल्ड कर सकते हैं, ना तो किसी पे लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर दिया गया है वेब डिजाइनिंग की तरह पैकेज है, यानी आप नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर, यानी नोटपैड पे अगर आप HTML प्रोग्रामिंग करते हैं तो नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम फाइल मेनू में जाएंगे और ये देख लेते हैं कि क्या है। तो नोटपैड हमने समझा कि एक टेक्स्ट एडिटर पैकेज है जिसमें हम नॉर्मल कामों को करते हैं। अब यहां पर हम आते हैं नोटपैड के प्रथम फाइल मेनू, तब आप कीबोर्ड में अल्ट बटन, कीबोर्ड में ALT यानी अल्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो यहां पे है हाईलाइट हो जाती है, यानी जो लेटर्स वगैरह है यहां पे इस प्रकार से आप हाईलाइट होती जाती है, ठीक है, हाईलाइट हो जाती है। इसके बाद फाइल मेनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बार माउस से क्लिक करेंगे तो आ जाएगी न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लाना, और नया पेज लाने की आवश्यकता कब पड़ती है, तो यदि हमारा पहले से कोई फाइल बना हुआ है
और उसी फाइल में अगर हम नई टॉपिक ऐड कर रहे हैं, जैसे मान कर चलते हैं हमारे यहाँ पे डीसी का एक टॉपिक बना हुआ है, हम नया फिर टैली का बनाना चाहते हैं, डीसी का बनाना चाहते हैं, ट्रिपल सी का बनाना चाहते हैं, तो आप न्यू पेज लेकर बना सकते हैं। लेकिन जनरल अगर मान कर चलते हैं आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया है और यदि गड़बड़ी हो गई है तो यहाँ पे न्यू पेज लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ कीबोर्ड में बैकस्पेस की मदद से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड के बारे में भी नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर के कीबोर्ड के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। तो सबसे प्रथम ऑप्शन है न्यू, न्यू का मतलब नया पेज लाना। इसी प्रकार अगर हम बैड पैड ये देख पा रहे हैं कि ये हमारी बैड पैड है, एक बार बैड पैड के टाइटल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल मेनू दिख जाएगी। अब जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो प्रथम ऑप्शन है, थोड़ा साइड रखते हैं, देखिए इसके जो फाइल मेनू है यहाँ पर भी आपको है एन न्यू। तो न्यू से क्या होता है, न्यू पेज आता है। और अगर ये सेव नहीं रहे, जैसे मान कर चलते हमें यहाँ पे कोई भी लेटर टाइप कर दिया है, अब यहाँ पर यदि आप न्यू पेज लेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे तीन ऑप्शंस खुलेंगे, एक है सेव, डू नॉट सेव एंड कैंसिल। सेव का मतलब है कि अगर आपने अभी तक सेव नहीं किया है और आप न्यू पेज लेने की बात कर रहे हैं तो क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव पे क्लिक करें, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डू नॉट सेव पे क्लिक करें। और यदि आप गलती से आ गए हैं, आपको न्यू पेज नहीं लेना था, गलती से आ गए तो आप इसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मानकर चलते हैं न्यू पेज लेना चाहते हैं बिना सेव किए हुए, तो डू नॉट सेव पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज आ गई। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइल्ड, यानी अभी तक हमने इसका कोई भी नाम नहीं दिया है। बट बट में फाइल में गए, न्यू पर गए तो यहाँ पर भी वही कहानी है, नया पेज लाना। ठीक है, इसके बाद अगर हम पेंट में भी जाते हैं तो अगर मान कर चलते हैं हमने यहाँ से कोई भी एक्सेप्ट ड्रॉ कर दिया है और फाइल मेनू पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आएगी, डू नॉट सेव करके आप यहाँ न्यू पेजेस को बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है न्यू विंडो, विंडो 10 में मिलता है न्यू विंडो। अगर आप नया विंडो लाना चाहते हैं तो क्लिक करके एक नोटपैड का और भी नया विंडो ला सकते हैं, पर हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है ओपन, ओपन के द्वारा क्या करते हैं कि किसी भी फाइल को जो आपने पहले से सेव कर रखे हैं, किसी भी फाइल को, सेव किए गए फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फाइल हम सेव करके आपको दिखला रहे हैं, तो तीसरी ऑप्शन है सेव है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे एक पॉपअप मेनू ओपन होकर आ जाती है, यहाँ पे लिखा होता है फाइल नेम, यानी आप अपने जो डॉक्यूमेंट है किस नाम से सेव करना चाहते हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, जैसे हम इसका नाम देते हैं, जैसे हमने दिया DCA नोट्स, हमने इसका नाम दे दिया DCA नोट्स। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ध्यान देना है ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं इस फाइल को। तो अगर आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे करें, और नहीं तो आप डॉक्यूमेंट में, बाय डिफॉल्ट अगर आप कहीं नहीं सेट करते हैं तो डॉक्यूमेंट पे रहती है। ठीक है, या तो आप यहां से डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव इत्यादि में सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको दिखलाई देगी कि कहां पर आपकी फाइल सेव हो रही है, दोबारा लाना होगा तो वहां पे खोजेंगे। अब हमने सेव पर क्लिक कर दिया, जैसे सेव पर क्लिक किए तो देखिए यहां पर लिखा करके आ गया DCA नोट्स। इसी प्रकार हम बटपट में भी आप देख पा रहे हैं, ये हमारे बटपट की मेनू है, ध्यान से देखेंगे बटपट में फाइल पर जाना है, यहां पर हम जाते हैं सेव, सेव पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गए नाम लिखने के लिए, और हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट या तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिए और इसका भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने कि यहाँ पे दे दिया शॉर्टकट की, शॉर्टकट की, हमने यहाँ पे शॉर्टकट की नाम दे दिया। इसके बाद फाइल पर हम जैसे कि सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, ये जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, इसको मिटा देते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख पा रहे कि ये बटपट आ गया, ये आपका नोट्स आ गया डीसी का, यानी कि ये आपका नोटपैड का फाइल कुछ ऐसा दिखेगा और बटपट की फाइल ऐसे दिखेगी। अगर हम इसको जूम करके दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पे फाइल मिल जाएगी।
तो हमने यहाँ पे देख लिया वर्ड पैड को। अब पेंट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा पेंट है। अभी तक देखिए यहाँ पे कोई नाम हमने नहीं दिया, फाइल पर जाना है, सेव पर जाना है। फर्स्ट टाइम सेव या सेव है, आप किसी पर भी जा सकते हैं। तो हम सेव पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नाम लिखने का ऑप्शन आ गया। और पिक्चर, अगर आप पेंट में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पिक्चर वाले फोल्डर में चला जाता है। तो अगर आप पिक्चर में ही रहने देना चाहते हैं तो पिक्चर रहने दीजिए, अन्यथा आप डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अनटाइल्ड दिया गया, हमने इसका नाम दे दिया पिक्चर वन, पिक्चर वन, हमने इसका नाम क्या दिया पिक्चर वन, और हमने सेव कर दिया। तो देखिए यहां पे आ जाएगी एक पिक्चर वन के पिक्चर वन, ठीक है। तो हमने फाइल मेनू में ये समझा फाइल। अब यहां पे करते हैं ओपन, ठीक है। पहले हम अब लेते देखिए न्यू पेज, न्यू, तो जैसे न्यू करते हैं ये देखिए डॉक्यूमेंट नया आ गया। यहां पर पिक्चर वन है, फाइल में जाकर न्यू पेज अब लेंगे, नया पेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोटपैड पे जाते, देखिए हमारा पीछे नोटपैड है, अगर नोटपैड में जाते हैं फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे या हमारा नया पेज आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो पेज हमारा पहले सेव किया था वो हमारा ओपन हो जाए, तो फाइल पर क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक करना है। और इस फाइल में देखिएगा पिछला बार आपने सेव का बॉक्स खुला था, इस बार ओपन का बॉक्स खुला है। तो सर्च में जाकर के आपको टाइप करना क्या चाहिए था, डीसीए। तो हम यहाँ टाइप करते हैं डीसीए। अब यहाँ पे डीसीए नोट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पर क्लिक करते ही हमारा देखिए यहाँ पर से ओपन का आ गया, यानी कि डीसीए नोट्स हमारा यहाँ पे आ गया। ये फाइल को नाम से आप पहचान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया बच्चों, काफी ज्यादा पसीने आ रही है, काफी ज्यादा गर्मी है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर पा रहे हैं। सही ढंग से बिल्कुल पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी छूट जाए आराम से क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। तो आपने पढ़ लिया ओपन मेनू, अपने फाइल पे गए, बैटपैड के फाइल मेनू पे जाएंगे, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एफ से फाइल मेनू खुल जाती है। इसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, आपकी ओपन मेनू आ जाएगी। आप इसे पकड़ करके रखना, हम बता दिए हैं हमें इसका क्या नाम दिया था शॉर्टकट की। हम जैसे एसएच लिखते हैं शॉर्टकट की आ जाती है, इसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल ओपन हो जाता है। इसी प्रकार फाइल में जाते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपका नाम दिया था हमने पिक्चर वन, ये पिक्चर हमारी आ जाती है। और जब भी प्रोग्राम ओपन होती है तो ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइल, ये जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे ये देखिए लिखा होगा पिक्चर वन, तो ये फाइल हमारी वापस आ जाती है। अब क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे नोटपैड वर्डपैड में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नोटपैड में आपका सेम वही है, आपका पिक्चर में वही है, पर यहाँ पे एक नया ऑप्शन है रिसेंट पिक्चर। रिसेंट से क्या होता है कि जो आपने लास्ट में सेव किया है वो आपको रिसेंट के अंदर में जाके दिखती है, आप यहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी ने पीछे ग्रेडिएंट बॉर्डर बनाया था, तो हम ग्रेडिएंट बॉर्डर में जाकर के दिखाते हैं। तो देखिए किसी ने इस तरीके से हमने एमएस पेंट के अंदर में थंबनेल बना रहे थे। इसके बाद पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा स्क्रीनशॉट, तो हम यहाँ दिखाते हैं। इसी प्रकार से आपको लोगो है एमएस वर्ड प्रैक्टिस रहेगा तो ये सारी चीज दिखती है। बटपट में इसी प्रकार से हमने बटपट को भी ओपन कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर भी आपको रिसेंट मिल जाती है, जो भी आप लास्ट में सेव करेंगे तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, या तो आप स्टार्ट बटन में जाकर के भी आप इसे ढूंढ सकते हैं, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल मेनू ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको सर्च करना फाइल का नाम, सर्च करना, जैसे मेरा फाइल का नाम था पिक्चर, तो हम टाइप करेंगे PICTUR, तो वहां पर देख सकते हैं पिक्चर आपका आ जाता है। अगर आपने शॉर्टकट की नाम दिया तो आप सर्च करेंगे SHORT, तो आपका शॉर्टकट की देखिए यहाँ पर आ जाता है, जो भी नाम देंगे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटपैड में फाइल मेनू के अंदर है सेव एज, हमने सेव करना सीख लिया। अब दोबारा अगर आप इसमें कुछ है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया DCA DTP टैली और इसी फाइल में हमको सेव करना है, इसी फाइल में सेव करना है, तो बस फाइल पे जाना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेवेज तब करना है जब आपको इसी फाइल को डुप्लीकेट बनाना है, कई सारे फाइल्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया सेव, सेव हमारा हो गया। हम इसको न्यू पेज लेंगे, नया पेज हमारा आ जाएगा।
कल हो करके या तो फिर आप नोटपैड को बंद कर दें और फिर से आप स्टार्ट बटन पे जाएं, नोटपैड को ओपन कर लें। जिस तरीके से आप नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फाइल पे जाना है, ओपन पर जाना है। अब यहाँ पे उस फाइल को ओपन करें जो कि आपका जो DCA करके था, हमने टाइप कर दिया DCA। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिस्टम स्लो हो गई है, चलिए यहाँ पर देखिए हमने इसका नाम दिया था DCA नोट्स। देखिए DCA नोट्स हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए आ गया। यानी अगर आप किसी एक फाइल में बार बार सेव करना चाहते हैं तो आप इस पे सेव एज पे जाना, अब डुप्लीकेट बनाना। देखिए DCA नोट्स के नाम की जगह पे हमको DDP करना है, तो सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे DDTP। ठीक है, आपको मैटर वही है, हमने सेव कर दिया DDTP के नाम से। देखिए एक और फाइल हमारे डेस्कटॉप पर बनकर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम टैली भी बनाना चाहते हैं तो फाइल में जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे टैली, ये देखिए आपका आ गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव एज के द्वारा आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट एक बार है। इसी प्रकार आप बैटपैड में फाइल मेनू में जाए, फाइल मेनू जाएंगे, अगर आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसका दोबारा नाम दे सकते हैं। जैसे आप नोटपैड पर कर रहे हैं वैसे आप बैटपैड पर कर सकते हैं और सेम एज टाइप आप यहां पर MS पेंट के अंदर भी सेव एज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, तो यहां पर मिल जाता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जैसे ही क्लिक करेंगे नोटपैड के अंदर में तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पेज को सेट करना। जैसे आप किस तरह के पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने साइज में गए, A4 साइज में ले लिया। अगर आप फोटोकॉपी का जनरल जो पेपर होता है वो A4 होता है, लेकिन अगर आप A3 A2 करना चाहते हैं तो A3 पेपर A4 से बड़ा होता है, A2 पेपर A3 से बड़ा होता है ना, A5 पेपर A4 से छोटा होता है। तो आप यहां से जाएंगे, आप ले सकते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है बड़ा पेज, खड़ा पेज। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पेज आपको बिल्कुल खड़ा में, जैसे एप्लीकेशन बनाना हो, कोई क्वेश्चन बनाना हो, फॉर्म बनाना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट रखें। लेकिन आपको कोई बड़ी सी लिस्ट है, छोटा सा मैटर है और उसको बोल्ड करके दिखाना है तो आप इसे लैंडस्केप मोड में रखें। ये देखिए आपका पड़ा हुआ पेज में दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन है चौथाई, जिस तरह से आपको पेज में चौथाई आती है आप यहां से मार्जिन करके चौथाई दे सकते हैं। यानी ये मिलीमीटर में है तो आप इसे मिलीमीटर में कर सकते हैं, तो अगर मिलीमीटर है तो करीब 1 इंची में 25 मिलीमीटर आपका होता है। तो यहां से देखिए मार्जिन दिया गया है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट में कर देते हैं 50, तो अगर हम 50 मिलीमीटर करेंगे तो देखिए लेफ्ट से ज़्यादा छोड़ कर आ रहा है। अगर हम ऊपर से कर देते हैं 30, तो देखिए ऊपर से जो है आपका इस तरीके से इतना छोड़ कर आया हुआ है। तो पेज को बस इसमें सेट करना ही है, बस और कुछ नहीं। हीडर, नोटपैड में एक ऑप्शन हीडर ऑन फुटर कर दिया है, यानी अगर आप कोई भी पेज को प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें ऊपर नाम आएगा। जैसे हमने इसका नाम दे दिया हीडर में MJCC और नीचे फुटर हमने दे दिया रेगुलर क्लासेस हमने दिया और सेव पर क्लिक कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम MS वर्ड में चले जाते हैं, MS वर्ड में, और कुछ पैराग्राफ ले आते हैं, आप लिख कर लाइएगा। हम यहाँ पे MS वर्ड में चले गए और यहाँ से कुछ पैराग्राफ ला करके इसमें इंसर्ट करा देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप करना R=RAND, छोटी कुछ देना है, शिफ्ट के साथ आपको देना पड़ेगा, यानी शिफ्ट के साथ आपको 0 और 9 देना होगा। इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा आ जाएगा। इस कुछ पैराग्राफ को हम इस तरीके से कर लेते हैं कॉपी और नोटपैड पे क्लिक करते हैं। नीचे टास्क बार में आप देख पाएंगे, नीचे जो टास्क बार है आप इस पे देखेंगे कि नोटपैड आया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नोटपैड खुल जाएगी। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है, पेस्ट करके हम यहाँ पर भर लिए, फाइल में गए, सेव पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद पेस्ट कुछ तो हमने सेट कर दिया, अब हम आते हैं प्रिंट ऑप्शन पर। अभी देखिए कि बर्डपर्ड में किस तरीकों का प्रिंट ऑप्शन देता है। ठीक है, हम इसको हटा लेते हैं। इसको देखिए ये नोटपैड है, नोटपैड में ये आपका पेंट है, पेंट में आपका पेज सेटअप किस प्रकार से आता है बच्चों, तो देखिए प्रिंट के अंदर 3 ऑप्शन है, पहला प्रिंट, सेकंड पेज सेटअप और तीसरा प्रिंट प्रीव्यू। अगर किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं तो MS प्रिंट के अंदर देख सकते हैं। इसके लिए हम इसको जूम करते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं, हम यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, फाइल में गए, न्यू पेज हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमने एक इस तरीके से कुछ ओवल्स बना दी। अब इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो फाइल पर जाना है,
माउस को प्रिंट पर लेके जाना है। इसके बाद प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेटअप खुल जाएगी कि आप किस प्रिंटर के तहत आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या तो आप सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कितने पेज प्रिंट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे फाइल में प्रिंट पर तो मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जब आप जाएंगे तो पेज सेट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे तो ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो हमने कर दिया पोर्ट्रेट, ठीक है। इसको लेफ्ट राइट कितना मार्जिन रखना चाहते हैं ये रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रीन सेंटर रखना चाहते हैं कि जो भी पिक्चर हम बनाए वो बिल्कुल सेंटर में आए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपका पिक्चर आ रही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है। फिर है आपका एडजस्ट टू, एडजस्ट टू पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पर एडजस्ट टू पे क्लिक करने के बाद आपका जितना भी पिक्चर रहेगा वो आपको 100% एक ही पेज में आएगा। या तो अगर आप फिट कर देंगे कि ये पिक्चर एक पेज में ना के दो पेज में आ जाए तो आप यहां से कर सकते हैं 1/2, यानी एक पेज से होता हुआ या पिक्चर आपका दूसरे पेज में चला जाएगा। देखिए यहां पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि आधा यहां है आधा किसी और में चला जाएगा। यहां ने ओके पे क्लिक किया। अब तीसरा ऑप्शन है फाइल में पेज प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर में तो देखिए ये आपका आधा ही दिखा रहा है। जब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे नेक्स्ट पेज तो बाकी हमारा आधा बचा हुआ दिख जाएगा। पर हम चाहते हैं कि ये क्या है एक ही पेज में आए तो पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद फिट टू 1/1 करना है, 1/1 और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा के सारा जो मैटर है वो एक ही पेज में एडजस्ट होकर के चला आया। इसी प्रकार सेम एज आपका वर्डपैड में है, इसलिए नोटपैड को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपका वर्डपैड वगैरह आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। वर्डपैड में भी आप देख पा रहे हैं कि पेज सेटअप में यही ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से मार्जिन को सेटअप करना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर नोटपैड में दिया गया है प्रिंट। अब मानकर चलते जो आपने सेव किया उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल, अगर आप पेज सेटअप करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा, सिर्फ पेज सेट होगा कि किस टाइप के पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रिंट करना है या पीडीएफ बनाना है तो प्रिंट पर क्लिक करना है। आपके यहाँ पर प्रिंटर आ गया, कितने पेज चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे, इसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देना। हमने सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, प्रिंट पर क्लिक कर दिया। जैसे प्रिंट पर क्लिक किया एक फाइल बन के आ गई कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया टैली, टैली नॉर्मल हमने नाम दे दिया पीडीएफ का, और हमने कर दिया सेव पे क्लिक। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप पर हमारा एक टैली नाम की यहाँ पर बन चुका है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया, ये देखिए ओपन हो गया और हमने मार्जिन दिया था, मार्जिन सेटअप हो गया। ऊपर में एमजेसीसी और नीचे में आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस लिखी हुई है, एमजेसीसी और नीचे में रेगुलर क्लास है। तो हिडन फुटर से होता क्या है कि जो भी आप लिखेंगे पेज के सबसे टॉप में लिखेगी और फुटर सबसे पेज के बॉटम में दिखेगी, सबसे नीचे में दिखती है। तो हमने इस प्रकार से प्रिंट देख लिया। फाइल में गए, एग्जिट पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। तो ये हमारा था आपका नोटपैड में सभी ऑप्शन फाइल में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, न्यू, न्यू से क्या होता है नया पेज लाना, जब भी जरूरत हो न्यू पेज पर क्लिक करेंगे नया पेज आ जाएगा। सेकेंड है ओपन, ओपन के द्वारा किसी सेव की गई फाइल को ओपन करना। फाइल में गए, हमने टाइप कर दिया टैली हमको चाहिए, टैली यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया टैली, क्योंकि तो पीडीएफ है पीडीएफ ओपन नहीं होगा, टीएक्सटी टीएक्सटी फाइल वाला ओपन होगा, हमने कर दिया ओपन। इसी प्रकार से सेव, सेव करना, सेव है डुप्लीकेट करना, पेज को सेट करना, मार्जिन सेट करना इत्यादि। अब देखिए कि नोटपैड तो हमने देखा, अब वर्डपैड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ फाइल मेनू में जाएंगे तो वर्डपैड में कोई डिफरेंसेस नहीं है। वर्डपैड में आपको सिंपल वही चीज दी गई है, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट से क्या होता है, क्विक प्रिंट के द्वारा क्या किया जाता है कि आप किसी भी फाइल को तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। आप सेटअप करके जो प्रिंट में प्रिंटर में सेटअप करके रखेंगे क्विक प्रिंट करते ही तुरंत प्रिंट हो जाएगी। पेज सेटअप हमने बता दिया कि देखिए इस तरह से मार्जिन आती है, ये आपका फाइल मेनू वर्डपैड का भी समाप्त हो जाता है। सेंड एन ईमेल के द्वारा आप किसी दूसरे को मेल कर सकते हैं, जैसे आप जीमेल के द्वारा करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गूगल का एक आपको
आउटलुक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप यहाँ से भेज सकते हैं। अबाउट बटपर में आप बटपर के बारे में, लाइसेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन है एग्जिट, एग्जिट के द्वारा आपका यहाँ पे बटपर भी बंद हो गया। यहाँ पे फाइल में गए, नोटपैड में एग्जिट पे क्लिक किया, हमारा नोटपैड बंद हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइल मेनू में प्रिंट में क्या क्या बच गया। तो फाइल मेनू में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नया, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगी, यहाँ से आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगी। पहला है फिल, यानी अगर आप कोई भी कंप्यूटर के स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर सेट करना चाहते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। फाइल सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट में गए डिलीट, ठीक है, हमने डिलीट कर लिया। अब यहाँ से कोई भी पिक्चर इस तरह से सेट करना चाहते हैं, जैसे हमने इसको, चलिए, और इस तरीके से हमने ये फिल विद कलर है, आप यहाँ से बाल्टी लेके फिल कर लें। ये आपका रेक्टेंगुलर है, आप यहाँ से लेकर के इसको बना सकते हैं, आप यहाँ से फिल कर देना है इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि इतना सिलेक्शन करना, सिलेक्शन कैसे किया जाता है बाद में हम लोग और भी सीखेंगे। हम यहाँ पे क्रॉप करते हैं, देखिए फाइल में गए, आप कोई भी पिक्चर ला करके पहला फिल, फिल में जैसे ही क्लिक करें पूछेगा कि ओके सेव करना है, हमने ओके कर दिया। इसके बाद आपको कुछ नाम देना है तो दीजिए, नहीं तो सेव पे जनरली क्लिक कर दीजिए। माइनस करके आपको चेक करना है तो देखिए पूरे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही पिक्चर आता है। फिर से हम यहाँ पे पेंट को ओपन करते हैं, जो कि आपका टास्क बार में दिया हुआ रहता है, यानी कि टास्क बार में देखिए आपको यहाँ पे पेंट मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फाइल में जाएंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे टाइल। टाइल से क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर आपका बन जाएंगे, देखिए छोटे 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 बहुत सारे पिक्चर आपका बन जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन फाइल में जाएंगे तो एक यहाँ मिल जाता है सेंटर, तो आप सेंटर के थ्रू जो है एक ही पिक्चर जो है आप बीच में लगा सकते हैं। तो आप अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे फाइल मेनू को कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो पेज याद रखना, पेंट के अंदर जो पेज आपका वाइट दिखता है वही आपका मेन पेज होता है। अगर आपका पेज कभी इस तरीके से छोटा हो तो माउस का पॉइंट है, जब यहाँ पे आप पेज में लाएंगे तो एरो बन जाएगी, तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इसको बड़ा करें, आप इसको छोटा करें, ठीक है ना, यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बहुत ही ज्यादा इस तरीके से छोटा हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेज कहाँ चला गया, तो आप ध्यान से देखिएगा तो कोना में एक पॉइंटर मिल जाएगी। और यदि यहाँ से आपको नहीं आ पा रहा तो फाइल में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे इसकी पिक्सल्स आपको रखनी है। तो अगर मानते हैं दो के जगह अगर आप यहाँ पे 10 रखें 50 रखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हमें यहाँ रख दिया 20, ओके पे क्लिक किया, देखिए थोड़ा सा जगह मिल गया। अब माउस का यहाँ एरो ले जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको खींच लेना, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए खींच लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फाइल मेनू समाप्त हो जाता है, एग्जिट के द्वारा आपका बंद हो जाता है, सारे चीज आपका क्लियर है। इसी वीडियो में आपको बताते हैं कि देखिए पॉइंटर भी मिलता है जिसपे आप माइनस मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए छुप जाता है, तो इसी पॉइंटर पर जाकर के आप हटाना है तो आप हटा लीजिए। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारा फाइल मेनू कम्प्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर कोई ऑप्शन छूट गया हो या कोई दिक्कत आ गया हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसको आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।